खाने दम जो खा लेगा बाढ़ बढ़ाएगा, जो खाने वो बाढ़ बढ़ाएगा। टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है ग्रेवी का, टेस्ट कैसा रहता है? ग्रेवी एकदम लटपट रहता है, एकदम टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। और ये देखिए गर्मा गर्म मटन तैयार हुआ और कस्टमर का भीड़ देख सकते हैं, लोगों का देखते दीवानगी देख सकते काफी ज्यादा यहाँ पे, मतलब 60 साल पुराना यहाँ पे आपको दुकान है। देख सकते हैं कोयले के आँच वाला हमारा जो मटन है ना वो हो चुका है रेडी, खुशबू मैं कहते हैं ना वो आपको देसी स्वाद मिलने वाला। और ये देखिए नली वाला पीस का साइज देख सकते हैं, एकदम खुशबू है ना वो एक कोयले के आँच पे बनते ही मतलब मटन का एक अलग, मतलब आपको यहाँ पर आइएगा तो खुशबू आपको रोक नहीं पाएगा। ये बड़े बड़े साइज आपको एकदम लर खाने मिलने वाला है यहाँ पे, देखिए अच्छी तरीके से इसको साफ कर दिया गया एकदम। और ये देख सकते हैं रेहू मछली का मुढ़ी फ्राई हो रहा है, और ये देख सकते हैं एकदम यहाँ पे मुढ़ी फ्राई मिलने वाला है, और ये जो बनने वाले हैं ना सारे आपको कोयले के आँच में यहाँ पे मिलने वाला है। ये देख सकते हैं ग्रेवी की मैं बात करूँ ना तो गाढ़ापन आपको एकदम मिलने वाला है, कोयले के आँच वाला जो खुशबू है ना वो मुझे रोक नहीं पा रही है। और ये देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म आपको एकदम यहाँ पे मिलने वाला है, लर देख सकते हैं पे जो पकते ही एक देसी स्वाद आपको तब मिलने वाला है यहाँ पे, तो काफी अच्छा है। तो एक नए से सुबह में एक नए से जगह पे हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेकर एक नया सा मटन दिखाने, क्योंकि आज मैं आ चुका हूँ पटना, और पटना में मैं इस टाइम मैं हूँ फुलवारी शरीफ, और जो लोग फुलवारी शरीफ वाले जो लोग फुलवारी शरीफ में है देख रहे हैं हमारा वीडियो, सोचते होंगे बढ़िया मटन बढ़िया चिकन कहाँ पे खाएं, तो इस वीडियो में हम आपको खिलाने वाले हैं बढ़िया से बढ़िया एकदम देसी स्टाइल में। हम यहाँ पे बनता है सारा कुछ कोयले की आँच में बनता है, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एकदम मिलने वाला है। दुकान का जो मैं बात करूँ ना काफ़ी पुराना है, मतलब 60 साल पुराना यहाँ पे दुकान आपको मिलने वाला है, तो सोच सकते हैं कैसा यहाँ पे मटन का टेस्ट होने वाला है। पूरा इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कैसे कैसे बनाते हैं, कैसा यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाले हैं। और दुकान का नाम मैं बता दूँ सूरज जी पंडित जी होटल होने वाला है यहाँ पे, वो इनके इससे पहले इनके पिताजी खिलाते थे। और ये देखिए मटन की जो तैयारी कहता है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए देग इस पे रख दिया गया, प्रोसेस कहते हैं ना सारा आपको कोयला के आँच में फिर पर मिलने वाला है। और ये देखिए अब आ चुका है इसमें तेल, और ये देखिए इसमें तेल डाला जा रहा है अच्छी तरीके से। तो इसमें कितना मटन बनने वाला है? पावड़। कितना? 4 किलो। 4 किलो मटन गया, और तेल कितना डाले? पावड़। मतलब 4 किलो में पावड़ इसमें तेल गया, ये देखिए। और ये देखिए अब गया इसमें जीरा, मतलब कहते हैं ना वो यहाँ पे मटन जो बनने वाला है ना पूरा देसी वाला गांव वाला आपको स्टाइल यहाँ पे तब मिलने वाला है। देखिए कोयला के आँच में सारा कुछ यहाँ पे बनता है, और ये देखिए मतलब खड़ा लाल मिर्च अब इसमें जा रहा है, ये देखिए मतलब कहते हैं ना वो मटन अलग तरीका से यहाँ पे बनने वाला है यहाँ पे। और ये देखिए अब जा रहा है इसमें गोलकी, जो गोलकी जा रहा है दालचीनी, अब जा रहा है इसमें दालचीनी, ये देखिए। और ये देखिए दालचीनी इसमें जा रहा, मतलब कहते हैं ना वो एक अलग यहाँ पे आपको स्वाद मिलने वाला, एक अलग टेस्ट मिलने वाला। और ये देखिए अब जा रहा है इसमें लौंग, मतलब जो सारे जो सूखे मसाले हैं ना मतलब थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ज्यादा जो मसाले का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। और ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कड़ाही लगा दिया गया, तो इसमें क्या बनने वाला है? सब्जी बन रहा है। सब्जी बनने वाला, मतलब सादा खाने का भी डिमांड? सादा खाने का डिमांड ज्यादा है, मतलब सादा खाना भी जो लोग खाने जाते हैं यहाँ पे आपको सादा खाना भी मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए बारीक से काटा हुआ प्याज अब इसमें जा रहा है, मतलब जो कहते हैं ना अलग एकदम प्याज का जो बारिश है यहाँ पे किया जा रहा है। और ये देखते हैं स्वाद की मैं बात करूँ मसाले और खुशबू, और ये प्याज का डालना एक अलग मुझे खुशबू यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखिए प्याज डालते ही अब इसको मिक्स किया जा रहा है प्याज को, और ये देखिए इसमें सारा प्याज गया 2.5 किलो। कितना केजी इसमें प्याज डाले? 2.5 किलो, मतलब 2.5 केजी इसमें प्याज डाले। और कितना किलो मटन बनने वाला है? 3 किलो, 3.5 किलो, 3.5 किलो यहाँ पे देखिए मटन बनने वाला है, अब बोलिएगा। और ये देखिए प्याज सारे डल चुके हैं, और यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया जा रहा है ताकि जो तेल और ये सारे जो सूखे मसाले हैं उसका जो खुशबू है ना वो आपको एकदम धीरे धीरे यहाँ पे आपको मुझे मिल रहा है। और काफ़ी लोग खोजते हैं कि कोयले के आँच में खाना बना हुआ मिलने वाला है यहाँ पे आपको, पूरा जो तो बोलते हैं ना कोयला वाला वो आपको एकदम मिलने वाला है। जो लोग का शौक होता है कि कोयले के आँच पे खाना चाहते हैं खाना, क्योंकि कोयले पर जो बनता है ना उसका स्वाद एक अलग देसी जायका मिलने वाला आपको एकदम यहाँ पे। और ये देखिए मतलब जो लोग खोजते हैं कोयले के आँच में खाना तो यहाँ पे आपको एकदम कोयला वाला एकदम खाना मिलने वाला, क्योंकि कोयला में जो खाना बनते ही उसका टेस्ट उसका जायका जो मिलता है ना एक अलग देसी स्वाद एकदम मिलने वाला। और ये देखिए मतलब स्वाद अनुसार अब जा रहा है इसमें नमक दम जो टेस्ट होता ना, और ये थोड़ा सा दम डाला जा रहा है अंदाज में डाला जा रहा है। ये देखिए हमारा जो मटन है ना वो फ्रेश फ्रेश आ चुका है, और ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से एकदम यहाँ पे एकदम आपको एकदम साफ सफाई एकदम मिलने वाला। जो लोग सोचते हैं कि मटन साफ नहीं रहता तो देखिए पहले से धुला के आता है दुकान से, और यहाँ पे दोबारा धुला के दोबारा धुलाता है यहाँ पे। और ये देखिए पीसेस की मैं बात करूँ तो आपको बड़े बड़े दम चमकता हुआ आपको दम देख सकते हैं मटन आपको दम मिलने वाला है। देखिए जो लोग कलेजी का शौकीन है कलेजी आपको दम मिलने वाला है। ये कितना क्वांटिटी हो गई है? ये 4 किलो है।
चार किलो ये देख सकते हैं टोटल यहाँ पे मटन है। चुस्ता भी रहता है, चुस्ता रहता मगर आज नहीं दिए हैं। चुस्ता खाना चाहते हैं तो यहाँ पे चुस्ता भी आपको मिलने वाला है। और ये देखिए मटन इसमें एक एक पीस करके डाला जा रहा था कि जो सारे जो गंदगी रहते हैं ना वो बारीकी से यहाँ पे धुलाता है। पहले ये लोग धो देते हैं वो फिर भी। और ये देखिए मटन इसमें आराम से एक एक पीस करके डाला जा रहा है। कहते हैं ना एक एक पीस करके डालने से मतलब दोबारा आया दुकान से धुलाया फिर यहाँ पे दोबारा से तिबारा या बार यहाँ पे दो से तीन बार यहाँ पे धोते हैं। और देख सकते हैं मटन को अच्छी तरीके से यहाँ पे जांच करके डाला जाता है कि जो गंदगी होता है ना आपको एक पीस भी यहाँ पे प्रॉपर गंदगी दम नहीं मिलने वाला। ये देखिए दम बड़े बड़े दम पीसेस नली वाला पीसेस आपको डालने वाले हैं। और ये देखिए चर्बी आ चुके हैं ये बड़ा। और ये देखिए सारे मटन जो कहते हैं ना वो इसमें डल चुके हैं। और ये देखिए और इसको मिक्स किया जा रहा है अच्छी तरीके से। और ये देखिए प्याज जो है ना वो एक अलग दम देसी चूल्हे पे जो बनने का जो टेस्ट रहता है ना वो एक अलग देसी जायका आपको दम यहाँ पे दम मिलने वाला है। जो लोग खोजना चाहते हैं कि चूल्हे में जो कोयले के आँच में खाना चाहते हैं पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको दम प्रॉपर टेस्ट दम मिलने वाला है यहाँ पे। और ये देखिए मटन का जो मसाले वाला प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए मसाले अब गया इसमें। और ये देखिए मिर्चा गया। और ये देखिए अब जा रहा है इसमें हल्दी। मसाले जो रहते हैं खुद के रहते हैं पिसवा के लाता है बाजार से, बाजार से पिसवा के लाते हैं। अच्छा अब ये देख सकते हैं हल्दी और ये मिर्च मसाला गया और ये इसको मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए सारे मसाले मतलब कौन कौन से मसाले इसमें गया थोड़ा बता दीजिए। इसमें हल्दी मिर्चा और नमक है और गर्म मसाला खड़ा जो रहता है वो इसको में जो सारे मसाले नहीं गए। नहीं सारा मसाला भी नहीं गया। अब इसको हल्का भूजेंगे उसके बाद कितना देर तक भूजेंगे? इसको 15-20 मिनट तक भूजेंगे उसके बाद मसाला डालेंगे उसके बाद इसको फिर से भूजेंगे। ये देखिए तेल मतलब तो मसाले है ना मतलब कलर जो बताता है ना एक अलग ये देखिए कलर इसमें आ रहा है स्टार्ट। और ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है। मसाले डलते ही इसमें एक कलर देखिए एकदम अलग इसका खुशबू है ना मसाले का वो एक अलग देसी स्वाद आपको एकदम यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे लर चुस्ता को सफाई कर दिया गया अच्छी तरीके से। लर आपको एकदम बड़े बड़े आपको एकदम मोटेदार आपको लर खाने मिलने वाला है। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके बड़े बड़े साइज आपको एकदम लर खाने मिलने वाला है यहाँ पे। देखिए अच्छी तरीके से इसको साफ कर दिया गया एकदम अच्छा। जो लोग लर चुस्ता खाने से डरते हैं कि साफ सफाई नहीं होता कैसा यहाँ पे साफ सफाई की बात? साफ सफाई पूरा अच्छे तरीका से होता है भैया यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कितना साफ सफाई। तीन चार पानी से हम लोग धोते हैं। तीन से चार बार धोते हैं? जी भैया तीन से चार बार देख सकते हैं। जो लोग खाना चाहते हैं लर चुस्ता मतलब डरते हैं कि लर चुस्ता साफ सफाई नहीं मिलने वाला यहाँ पर हम आपको प्रॉपर। और ये देखिए अब इसमें जा रहा हरा मिर्च मतलब कहते हैं ना आपको अलग जो कहते हैं ना अलग स्टाइल में यहाँ पे आपको पूरा एकदम प्रॉपर अलग स्टाइल में बनने वाला है। ये देखिए और ये देखिए हरा मिर्च गया इसमें। और ये देखिए इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जा रहा है। थोड़े मसाले इसमें गए हैं और खुशबू कहते हैं ना वो खुशबू एक अलग देसी मुझे यहाँ पे स्वाद मिल रहा है। तो ये जो मटन बनाना आप सीखे हैं तो किससे सीखे आप मटन बनाना? पिताजी पहले सिखाते थे। कितना साल हो गया आपको? 20 साल से सिखा रहे थे। पिताजी से सीखे हैं मटन बनाना? हाँ उनसे सीखे हैं। यहाँ कितना दिन हो गया दुकान का? 60 साल। 60 साल से 60 साल पुराना दुकान है आपको यहाँ पे मिलने 60 साल पुराना आपको दुकान मिलने वाला। तो सोच सकते हैं मटन का टेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला। कितने बजे तक आपको दिन भर मिलने वाला यहाँ पे मटन? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मतलब जो लोग सुबह आएंगे तो देखिए कलर जो है ना मटन का वो प्रॉपर जो कहते हैं ना वो बिना मसाला डलते ही कलर आने लगा है इसमें। और ये देखिए मसाले का जो तैयारी है ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए अब इसमें जो मसाले हैं ना प्रॉपर वो जाने वाले। और ये देखिए गोलकी जीरा का पाउडर इसमें जा रहा है अच्छी तरीके से। लहसुन और अदरक का पेस्ट इतना 3 किलो मटर में ये 200 ग्राम लहसुन और अदरक का पेस्ट पिसा हुआ गरम मसाला उसके बाद मटन मसाला जाएगा मटन मसाला है दो दो पैकेट जाएगा। और ये देखिए हो जाएगा अच्छे तरीका से। ये कस्तूरी मेथी है में
सारे मसाले जो है वो डल चुके हैं। हाँ डल चुका है, बस लास्ट में ये धनिया का पत्ता डालेंगे बस। कितना देर तक इसको चलाइएगा? और इसको आधा घंटा तक, मतलब आधा घंटा तक इसको भूंजा जाएगा, मतलब है ना। मसाले डलते ही ना जो कलर है ना, वो इसका कलर आपको एकदम खुशबू है ना, वो एक अलग देसी खुशबू आपको यहाँ पे मिलने वाला। मसाले बहुत सारे लोग खाने से डरते हैं, तो कैसा मसाला रहता? नहीं हल्का नॉर्मली मसाला रहता है, ज्यादा ही नॉर्मल मसाला आपको मिलने वाला, मतलब मसाले ज्यादा डलते नहीं है? नहीं ज्यादा नहीं डलता मसाला। तो कहते हैं मसाले सोचते हैं कि डरते हैं कि मसाले ज्यादा होने वाले हैं, तो मसाले कम कम डालते हैं, एकदम नॉर्मल रहेगा। 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम सारे मसाले डाल दे जाते हैं। इसमें कौन कौन सा मसाला गया है? इसमें लहसुन और आदि का पेस्ट है। लहसुन का पेस्ट पहले से बना लेते हैं? हाँ पहले सब पीस कर रखते हैं हम लोग, उसके बाद इसमें डालते हैं। उसके बाद गोलकी जीरा का होगा पाउडर और मीट मसाला और गरम मसाला और कस्तूरी मेथी। लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है इसका, इसमें क्या है? बस इसमें इसे भूंज कर उसके बाद धनिया पत्ता डालकर उसके बाद उतार देंगे, धनिया पत्ता मिलने वाला। और ये देखिए लर देखिए, मतलब आपको तो मोटेदार आपको एकदम लर आपको यहाँ पे खाने मिलने वाला। चुस्ता कभी यहाँ डिमांड रहने वाला है? हाँ चुस्ता का भी डिमांड है, मगर आज आज नहीं है। जो लोग चुस्ता खाना चाहते हैं तो ऑर्डर देके यहाँ पे। हाँ ऑर्डर देके। चलिए ऑर्डर। अच्छा मटन का जो प्राइस रहता है क्या रहने वाला है? 60 रुपये पीस रहता है, और 2 पीस मटन, 1 प्लेट चावल 140 रुपये प्लेट है। चावल के साथ भी मिलने वाला है, रोटी भी मिलेगा? हाँ रोटी भी मिल जाएगा, हाफ चावल 2 रोटी है, 2 मटन 140 रुपये होगा। 140 रुपये में आपको 2 पीस मटन चावल मिलने वाला है। ये कोयले की आज में जो खुशबू रहता है ना मटन की, एक अलग स्वाद आपको मिलने वाला है। गैस का जो स्वाद रहता है, 1 घंटा का जो सफर है ना वो हो चुका है पूरा। और ये देखिए मटन का जो रंगत है ना, जो प्रॉपर रंगत आया जाएगा, धनिया पत्ती अलग खुशबू की मैं बात करूँ ना, वो आप यहाँ पे आप आइएगा ना, आपको खुद यहाँ पे खुशबू रोक नहीं पाएगा। ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के खुशबू मटन का खुशबू कह रहा है। ये देखिए और ये देखिए इसमें जा रहा धनिया पत्ती जा रहा है। ये देखिए एकदम अलग तरीके से, मतलब जो मटन कहते हैं ना, अलग तरीके से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है मटन। इसमें धनिया पत्ती डाले हैं तो इससे क्या होता है? इससे खुशबू और बढ़ता है मटन का, धनिया पत्ता और टेस्ट बढ़ता है। अच्छा धनिया पत्ता डालने से इससे खुशबू और टेस्ट और आपको बढ़ने वाला, खुशबू तो वो मिल रही है मुझे, और इससे टेस्ट जो धनिया पत्ती डालते हैं ना और ज़्यादा इसका खुशबू मिल रहा है। ये देखिए रोगन देखिए, ये देख सकते हैं ग्रेवी की मैं बात करूँ ना, तो गाढ़ापन आपको तो मिलने वाला है। कोयले की आँच वाला जो खुशबू है ना वो मुझे रोक नहीं पा रही है। और ये देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म आपको दम यहाँ पे मिलने वाला है। लर देख सकते हैं मोटेदार आपको यहाँ पे दम लर खाने मिलने वाला है। दोबारा फिर से कोयले की आँच में कढ़ाही को लगा दिया गया। और ये देखिए इसमें तेल, इसमें क्या फ्राई करने वाला है? मछली फ्राई हो रहा है। अच्छा मछली, क्वान्टिटी कितनी होगी? 2 किलो होगा, 2 केजी यहाँ पे मछली। कौन सा मछली होने वाला है? रेहू, मतलब ये देखिए और ये देखिए रेहू मछली फ्राई किया जा रहा है अच्छी तरीके से। लगेगा आप क्या लगेगा? 5 मिनट में यहाँ पे आपको रेहू मछली, रेहू। फाइनली हमारा जो 1 घंटे का सफर था ना वो हो चुका है खत्म। और ये देखिए हमारा जो मटन है ना वो गर्मा गर्म तैयार है। और ये देख सकते हैं पीसेस की मैं बात करूँ ना, आपको बड़े बड़े आपको पीसेस मिलने वाला है। रोगन की मैं बात करूँ, और ये देख सकते हैं डेकोरेशन देख सकते हैं, ये सारी चीज आपको मटन के साथ खाने मिलने, मतलब 5 से 6 चीज़ यहाँ पे आपको मटन के साथ मिलने वाला फ्री कॉस्ट में। ये देख सकते हैं क्या क्या हम दिखा देंगे बाद में, देख सकते हैं आप। धनिया पत्ता की चटनी है, आपको बैगन का भरते मिले, आलू का सब्जी मिलने वाला, ये तो कॉफी मिलने वाला, मतलब डेकोरेशन में ना आपको इतने सारे चीज़ आपको मटन में मिलने वाला। खुशबू है एक कोयले के आज में बनते ही जो मटन का जो खुशबू आता है ना वो आपको अलग खुशबू यहाँ पे मिलने वाला। तो बात मुझे रोक नहीं पाई, तो चलिए जल्दी टेस्ट करते हैं। और ये देखिए ग्रेवी देख सकते थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा चम्मच होगा, और ये देख सकते हैं ग्रेवी देख सकते हैं, तुम गाढ़ापन आपको तुम ग्रेवी मिलने वाला। जो लोग गाढ़ापन के शौकीन है ऐसा ग्रेवी आपको काफी कम जगह पे तुम खाने मिलने वाला गर्मा गर्म है। तो चलते टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए एकदम गर्मा गर्म, ये देखिए ग्रेवी सा थिकनेस सा खुशबू एक है ना, ये देखिए हल्का सा ग्रेवी मिली खुशबू जो मुझे मिल रही है ना, एक अलग देसी जायका यहाँ पे मिलने वाला। और ये देख सकते हैं चावल के साथ इसका जो कलर है ना कॉम्बिनेशन ग्रेवी का, तो अलग कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी बिना देर किए बिना लेट किए हम इसको ट्राई करते हैं। टेस्ट की मैं बात करूँ ना तो प्रॉपर देखिए, जो मसाले बोलते हैं ना वो यहाँ पे पका दिए गए सारे जो मसाले हैं वो जो कहते हैं ना वो पक चुके हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हैं तो अब हाँ ये देखिए हमारा मटन है, ये देखिए गर्मा गर्म मिलने वाला था, ये छूते मेरे हाथ जल रहे थे ना गर्म यहाँ पे। और ये देखिए देख सकते हैं ये देखिए काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए तो हम तो आप लोगों को पसंद है गर्म खाना मटन, तो यहाँ पे जाड़े के टाइम में आपको इस मटन का आपको एकदम एंजॉय मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे दिखा दें,
मतलब छुएगा ना तो टूट जाएगा मटन। ये देखो सॉफ्ट सारा मटन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो खस्सी जो कहते हैं ना आपको, यहाँ पे आपको देसी खस्सी मिलने वाला है। तो मटन के साथ इसको ट्राई करते हैं, मटन चावल। और ये देखिए मटन का जो टेस्ट है ना, प्रॉपर तरीके से पका दिया गया। ऐसा नहीं कि कुछ जगह पे पके हैं, कुछ जगह पे गले हैं, सारे प्रॉपर तरीके से मटन पका दिया गया है। और टेस्ट का जायका है, कोयले पे पकते ही आपको पता ही है कोयला का टेस्ट अच्छा रहने वाला। गैस का जो टेस्ट रहता है वो अलग टेस्ट आता है। कोयला पे जो पकते ही एक बेसिक स्वाद आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है,